हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग रिशम एंड निशु ब्लॉग। नमस्ते सत श्री अकाल। आप कैसे हैं? आप सब बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। और मैं अभी इवनिंग के हो गए हैं 5। और फ्रेंड्स, आप मौसम देखोगे दिल्ली का कि मैं बता नहीं सकती, इतना बढ़िया मौसम है। ऐसा लग रहा था मानसून आ गया है, भाई जुलाई अगस्त में नहीं मार्च के अंदर ही मानसून आ गया है। मैं आपको हालत दिखा रही हूँ। फिलहाल आप लोगों को बारिश की आवाज़ आ रही ही होगी। मैं अपने घर के एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। इतना पूरा तूफ़ान आया है अभी। मेरे लिए तो फ्रेंड्स तूफ़ान नहीं है, क्योंकि किचन की विंडो खुल के धार 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 होने लग गई। मैं भी डर गई रूम से कि क्या हो गया एकदम। और बाहर आई तो आप देख सकते हो ये वाली जो पेटी थी, जिसमें ए सी के ऊपर ये पेटी रखी हुई थी, इसमें कबूतर रहते थे, और वो पेटी गिर गई। नीचे घर का हाल देखो आप, पूरा पानी, हैंगर ऊपर से नीचे मिट्टी, ये कपड़े। घर का हाल देखो, घर एकदम साफ सुथरा था, और अब ये हाल देखो कितना गंदा हो गया है गिर गिर के। अब पूरा घर का हाल बहुत ही बुरा हाल है। और खिड़की मैंने बहुत मुश्किल से बंद करी है फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ। देखो बारिश। और एक हॉट चीज़ दिखाऊँ वो देखो, और घर में एक बल्ब जल्दी अपने आप ही कर रहा है, जिससे कोई लिंक नहीं है, उन्होंने कोई बटन ऑन नहीं है उनका, बट फिर भी वो ऑन ऑफ हो ही जा रहा है, क्या करें। बहुत ही तेज़ बढ़िया बारिश है। और मैं इधर रूम के इधर दरवाजे पर खड़ी हूँ, मुझे पता है मेरे पास एक क्या ना बारिश की कनिया गिर रही हैं ठंडी ठंडी एकदम। देखो और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है फ्रेंड, गला मैंने लास्ट टाइम देखा। ओहो, मुझे लगा पता नहीं कुछ गिरा मेरे ऊपर। गला मेरा पूरा चौक हो रखा है, खांसी हो रखी है, हल्का सा कोल्ड है हल्का हल्का, और क्या कहते हैं थोड़ा बहुत फीवर भी हो जाता है। वो तो गला ख़राब के चक्कर में, कोल्ड के चक्कर में तो फ्रेंड थोड़ा बहुत होता ही होता है, इतना तो मुझे पता है वो होता ही, उसका कोई इलाज नहीं कर सकती मैं तो बस वही। और सामने का हाल आप देख सकते हो, घर जो टूट रहा है अभी तो बहुत सारा टूटना बाकी है। क्या हो रहा है ये? अभी बहुत सारा टूटना बाकी है। बहुत ही बढ़िया मौसम, बादल आप देख सकते हो काले घने काले बादल हैं, और बिजली भी बादल गरजने की आप लोग आवाज़ सुन सकते हैं, बारिश की भी आवाज़ आ रही होगी आपको, और बादल गरजने की भी आ रही होगी। बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, और हवा के टाइम तो फ्रेंड्स मैं बता नहीं सकती, इतना भयानक कि सामान गलियों में भी धह 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 की आवाज़ आई है। पता नहीं क्या क्या गिर रहा है। अब मैं वो आपको बाहर जाके दिखा नहीं सकती, क्योंकि मुझे तो घर देख के ही, रूम देख के ही घिन आ रही है, क्योंकि आप देख सकते हो कमरे तक पूरा पानी पानी हो रहा है। और ना मेरे अंदर इतनी फ्रेंड हिम्मत है कि मैं उठ ये काम करूँ, क्योंकि तबीयत वैसे ही इंसान की ख़राब हो, और उसमें सफाई करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे को तो बहुत टफ लगता है भाई, पर ये है थोड़ा बहुत तो मुझे भाई पर मानना ही पड़ेगा, क्योंकि घर पूरा गंदा कर देंगे ये लोग, घूम घूम के इन्होंने पूरे घर की ऐसे तैसे कर देनी है, जो कि फ़ायदा नहीं है। और एक चीज़ और आपको दिखाने भूल गई मैं, और आई बेटा कि मेरा गैस जो 4 वाला था बर्नर, वो मैंने 3 वाला ले लिया है, क्योंकि वो उससे मेरी गैस बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी फ्रेंड्स, आई बहुत लीक होने लग गई थी, तो वही मैंने लिया है। अब मिलाती हूँ आपको निशु से। आ गई, गुच्छा नहीं यार। और बारिश आई तो कपड़े मैंने सारे धोए हुए यहाँ निकाल के रख दिए, उतार के रख दिए हैं कि इन्हें तैल लगा के रखती हूँ। और एक बदमाश वो ना हमारा छोटा बड़ा बदमाश हमारा शो रहा। रुको मम्मा शूज़ बना रही है, शूज़ लाई, रुको शूज़ लाई। बड़ा बदमाश सो रहा है और छोटा बदमाश उठ गया है, उसे मैंने मैगी बना के दी थी आटे वाली, उसने खाई नहीं है, तो बस अब इसे उतारती हूँ, थोड़ा बहुत ये घूमेगी, मैं आपको हाय कर दूँ। भर रही नहीं आ रही है वो देखो, इन 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 कुत्तों को ये जो कहते हैं मां बाप के क्या बोला तुमने उसको अपनी भाषा में, ओ गिर जाएगा, मजे ले रहे हैं भाई, ओए पीछे हट जाओ, चलो हटो। तो फ्रेंड्स इन दोनों को भी मैं हटाती हूँ, उसे शीत पराठे से उतारती हूँ। चलो फ्रेंड्स, आपको जैसे मैंने घर का हाल दिखाई दिया है, पानी पानी सारा, मैं सोच रही हूँ इसको जल्दी से वाइपर कर दूँ और जल्दी से साफ़ हो जाए, जिससे कि गंदे पैर ना रहे और क्या हाय सुनते रहो बस, है ना। चलो
जल्दी से फ्रेंड्स वाइपर लगाते हैं, कमरा साफ़ कर लेती हूँ, दोबारा क्या करूँ, करना तो पड़ेगा ही, नहीं किया तो भी कोई गुजारा नहीं है, घर गंदा रहेगा, अच्छा खुद को ही नहीं अच्छा लगेगा, फ़ायदा नहीं है फ्रेंड। फिर आगे नीचे हाँ रेन देखो भाई, नीचे बता रही है रेनी रेनी आ लिया भाई, बहुत तेज रेनी आ लिया हमारे यहाँ पे, है ना। बदमाशी नहीं, आप साइड पे हो जाओ, काम करने दो, मम्मा उधर सारा वाइपर लगा रही है ना। वही कमरे का हाल अब साफ हो गया, हल्का हल्का गीला, उसको उठने में टाइम लगेगा, बेड़ा भी मैंने कर दिया जिससे गए डॉग्स वगैरह बाहर आए, कम से कम मिट्टी ना रहे। आए बारिश फुल जोश में, मामा गोदी ले जाए, रुक जाओ बाहर गीला भांडे जाना, फुल जोश में है, आई आवाज़ ना बहुत तेज है, बहुत तेज़ बारिश है, माओ ना निशा, अब बादल देखो कितने तेज़ गरज रहे हैं फ्रेंड्स। इस समय मेरा तो मन करता गैलरी में ना हो मशीन वगैरह, बाहर इंसान कुर्सी डाले टेबल हो आराम से रिलैक्स होके बैठे, तो चलो करती हूँ अंदर चलती हूँ। निशु रो लिए, नीचे को चुप पड़ा है, मामा को नहीं ले, बाय फ्रेंड्स। रात के हो गए हैं 10:30 और अब डिनर की तैयारी हो चुकी है, मैंने सैलड कट कर लिया है और क्या कहते हैं पनीर मसाला बन गया है और रोटी मेरी सिक रही है, और ये रही रिपांशी। हाय फ्रेंड। हाँ जी, और वो रही नीचू डाल ली हमारी, आ रही है वो कुछ नहीं तो अजवान है, तो बस अमन भी आ गया, तो मैं रोटी वगैरह देती हूँ, डॉग्स वगैरह ने खाना खा लिया है, अब मिलूंगी मैं कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट इज रिशु एंड निशु ब्लॉग्स फ्रेंड्स। गुड नाइट करो, गुड नाइट फ्रेंड्स।